आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया नगर के पानी टंकी जगदीशपुर स्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के आवास पर आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव राम गोविंद चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। आदिकाल से दुनिया को राह दिखाने का कार्य हमारे देश ने किया है। आज पूरी दुनिया हमारे वेद पुराणों पर शोध कर रही है। हमारे देश के आज के युवा वर्ग को देश के महान ऋषि मुनियों के जीवन और इनके द्वारा रचित ग्रंथों पुराणों से सीख लेनी चाहिए और उस रास्ते पर चलकर देश में एकता सद्भाव को बढ़ावा देने पर काम करना चाहिए। आज के परिवेश में महर्षि वाल्मीकि जैसे आदि कवि की रचनाएं मानवता और सामाजिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस अवसर पर सपा जिला प्रवक्ता उपाध्यक्ष सुशील पांडे, कान्हा जी, अमित सिंह, अमित राय, छोटक राजभर, रवीर सिंह, विक्की छोटू यादव, विनोद पासवान, सुनील प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए कृपा शंकर दुबे की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।